नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल काक और आपके लिए लेकर आया हूं प्रोग्राम द लेजेंड शो। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बातें की थी मदन मोहन साहब के तरानों की, जिन्हें हम आज भी जारी रखेंगे। तो चलिए, गुनगुनाने वाली इन धुनों के साथ एक डुबकी लगाते हैं आप और हम, और मदमस्त हो जाते हैं मदन मोहन के आज के इन गानों में। सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, हो सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। नजर चांदी बदन रेशम हसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हसी, बस एक तुम्ही रखती हो धन लुटने का डर है घबराई हो, लुटने का डर है घबराई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल काक के साथ। अनिल काक के साथ तलत महमूद गजल गायकों में उनकी पहली पसंद बने रहे। फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर मोहम्मद रफी से फिल्म की सभी गजलें गवाना चाहते थे, तो दूसरी ओर मदन मोहन साहब गजल गायकी के सरताज तलत जी की आवाज चाहते थे। फिर वही शाम वही गम वही दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही। शायद इस फिल्म की गजलें तलत जी के लिए ही बनी थी। इन गजलों ने तलत महमूद की गायकी को अमर कर दिया। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे
पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। पर दोस्तों, मदन मोहन साहब ने संगीत के साथ कोई बेईमानी नहीं की, जिस गीत के लिए जैसी आवाज चाहिए थी इस्तेमाल की। अगर दलित जी को उन्होंने सुरीले गीत दिए तो रफी साहब को भी ऐसी फिल्में जैसे नौनिहाल, सुहागन, मेरा साया, आपकी परछाइयां, चिराग, दस्तक, हकीकत आदि में कई बहुत प्यारे प्यारे गाने उन्हें गाने के लिए दिए। आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था। था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़, सुनो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों। जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो। सो के भी जागते ही रहते हैं, जा बात सुनो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में। और सब निकले मेरे हमदम हमराज, सुनो मेरी आवाज सुनो, मेरी आप सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। दोस्तों, ये बात सही है कि गजलें मदन मोहन की कमजोरी रही है, लेकिन ये भी सही है कि संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्हें महारत हासिल थी। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, उनकी हर कंपोजिशन में उनकी छाप देखने को मिलती है।
चाहे वो देशभक्ति गाने हों, क्लासिकल हों, भजन हों या कव्वाली। सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां जहां मिल गया।
तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया के जहां सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। मदन मोहन साहब कभी किसी कैंप से नहीं जुड़े, पर हाँ चेतन आनंद के लिए जरूर काम किया, क्योंकि फिल्म हकीकत के गीतों ने मदन जी के करियर को बूस्ट किया, कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी। दोस्तों, मदन मोहन ने चेतन आनंद की फिल्म हीर राजा के बारे में बयां किया है। ये गाना है चेतन आनंद की अनोखी फिल्म हीर राँझा का। इसकी धुन भी मैंने बहुत पहले बनाई थी, तकरीबन 10 साल हो गए होंगे धुन बनाए हुए, मगर ये गाना रिकॉर्ड तब हुआ जब चेतन आनंद का राँझा मेरे सामने आया, मोहब्बत में नाकाम। गाने में कई मूड हैं, कई जमाने हैं, मगर उन सब पर छाया हुआ है राँझा का मूड। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। जिस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर का मदन मोहन साहब के बारे में कहना है, मदन जी को मुसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। जब देखो हारमोनियम बजा रहे हैं, तानपुरा लिए बैठे गा रहे हैं। मैं कस अपने जिया के मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया के मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया के मायरे। हैरान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों,
जहाँ मदन मोहन साजों से अच्छी तर्जे निकालने में माहिर थे, वहीं वो सुर देने में भी। 1971 में आई दस्तक फिल्म के मायरी गीत में उन्होंने अपनी आवाज तो दी ही थी, साथ ही लता जी के साथ अपनी जुगलबंदी भी कायम रखी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। बेशक 1970 में वेस्टर्न म्यूजिक हर तरफ धूम मचा रहा था, लेकिन फिर भी मदन मोहन रागों पर आधारित संगीत देते रहे और उनकी इसी खासियत के कारण कई फिल्म मेकर्स को उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। लेकिन मदन मोहन इनका साथ कम ही दे पाए और 14 जुलाई 1975 में उन्होंने संगीत की दुनिया को अलविदा कह दिया और उसी दौरान आई दो फिल्मों मौसम और लैला मजनू की कामयाबी देखने से महरूम रह गए। कितना ना सताओ लोगों, मेरे
सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मौसम फिल्म के इस गीत को तीन तर्जों में ढालने की कोशिश की गई, एक तो आप सुन ही चुके हैं और दूसरा तो सबके दिलों पर राज करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरी तर्ज के बारे में, जी हाँ, वो धुन तो आप खुद मदन मोहन साहब से सुन लीजिए। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, तेरे लिए हम भी जी हो तो कोसी। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपके जहन में यश चोपड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म वीर जरा की याद ताजा हो गई होगी। इस फिल्म के सभी गीतों की धुनें खुद मदन मोहन साहब कई बरस पहले ही तैयार कर चुके थे और फिल्म इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी संगीतकार के गुजर जाने के बाद उनकी धुनों का न केवल इस्तेमाल किया गया बल्कि गीतों ने कामयाबी के नए परचम लहराए।
आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म सुन रहे हैं रेडियो सुरीला हम सफर पे द लेजेंड शो अनिल का किस्सा। अनिल का किस्सा। मदन मोहन साहब एक ऐसा बेशकीमती हीरा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, वो अंदाज जिसे बयां करना मुश्किल है और छुपाना नामुमकिन। मदन मोहन साहब सही मायने में आर्टिस्ट थे और बड़े ही सुरीले भी। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, हाय क्या चीज थी लुटा बैठे दो घड़ी। सुरीलेपन की बात आई तो एक घटना याद आ गई। हुआ यूं कि एक गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो कुछ साजिंदे धुन को पकड़ नहीं पा रहे थे। ये सब देख गुस्साए मदन मोहन साहब साजिंदों की तरफ लपके और शीशे के दरवाजे को खोलने की बजाय जोर से मुक्का मारा, जिससे हाथ लहूलुहान हो गया। उसे नजरअंदाज करते हुए चिल्लाने लगे, बेसुरा बजाते हो, सुरों के साथ बेईमानी करते हो, शर्म नहीं आती है क्या? और दोस्तों गीत था दोस्तों इसके साथ ही आज का ये एपिसोड द लेजेंड शो का समाप्त हुआ। हम अगले हफ्ते फिर किसी लेजेंड की बात करेंगे। तब तक के लिए अनिल काक को इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।